गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी ईवीएस क्लास 3 लेसन नंबर 2। लेसन नंबर 2 इज इन हिंदी वी कैन सी इट इज पास पड़ोस, पास पड़ोस, बट वी हैव बुक्स इन इंग्लिश, हमारी बुक्स इंग्लिश में है इसलिए मैं आपको इंग्लिश में इसका मीनिंग बताऊंगी। पास पड़ोस का मतलब होता है नेबरहुड। नेबरहुड की स्पेलिंग देखेंगे इसको, पहले आज की डेट देखेंगे। टुडे इज 14/5/2020 थर्सडे एंड लेसन नंबर 2 नेबरहुड। नेबरहुड की स्पेलिंग NEIGHBOURHOOD नेबरहुड। नेबरहुड, नेबरहुड का मतलब होता है पास पड़ोस। आपके पड़ोसी जो होते हैं वो सारे हमारे नेबर्स कहलाते हैं, और जो पास पड़ोस होता है, जो पड़ोस का जो एरिया होता है वो सारा हमारा नेबरहुड कहलाता है। तो आपसे पहले तो एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैं आपसे कि इफ देयर इज गार्बेज इन योर नेबरहुड व्हाट विल यू डू फॉर क्लीनिंग इट, पुट टिक मार्क ऑन करेक्ट ऑप्शन। If there is garbage in your neighborhood, अगर आपके neighborhood में, आपके आस पड़ोस में कूड़ा होगा, garbage means कूड़ा, तो what will you do, आप क्या करोगे for cleaning it, उसे साफ करने के लिए। Put tick on the correct option, जो भी आपको options जो दे रखे हैं दो, इन दोनों में से जो आपको सही लगेगा उस पर आपको tick mark लगाना है। तो देखते हैं क्या क्या options हैं। Option A, let the garbage lie as it is, जो भी कूड़ा है उसको, garbage means कूड़ा, lie means पड़ा रहने देंगे, कूड़े को ऐसे ही पड़ा रहने देंगे, क्या ये सही है। और second option, clean the garbage with the help of your neighbors, आप जो भी कूड़ा है उसे अपने neighbors या पड़ोसियों की मदद से साफ कर देंगे। तो which is the correct option, कूड़े को पड़ा रहने देंगे, नहीं, this is wrong, ये गलत है। क्लीन द गार्बेज विद द हेल्प ऑफ योर नेबर्स, आप गार्बेज को अपने नेबर्स की हेल्प के साथ साफ करेंगे, दिस इज राइट, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में लिखिए और इस वीडियो को ध्यान से देखिए बार बार, ताकि आपको नेबरहुड का मतलब समझ में आ सके। थैंक यू चिल्ड्रन।